फिजिक्स नहीं समझता है, जो माइथोलॉजी क्या कहती है। देखो जैसे कि मैं आपको चीज बताऊं कि ना, ये कहानी तो आपको पता ही होगी, भागीरथ और मतलब गंगा रिवर, ये जो कैसे देखो, व्हाट इज द स्टोरी। तो बेसिकली ये था, सगर नाम के राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे, ठीक है। तो वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं सगर, और उस अश्वमेध यज्ञ में वो घोड़े को अपने छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो छोड़ देते हैं, ऐसे ही होता था अश्वमेध यज्ञ में, हर राजा को अपना घोड़ा छोड़ना पड़ता है। वो मतलब जिस कंट्री में जाएगा वहां जाके फिर जो है उस राजा को उससे शायद लड़ाई करनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता था पहले, रामायण के समय में भी हमने देखा था। तो आपको याद भी होगा कि भगवान राम ने भी ऐसे ही कुछ यज्ञ किया था, तो वो जो घोड़ा छोड़ा था वो लव कुश ने पकड़ लिया था, और फिर लड़ाई भी हुई थी आपस में ना, पिता पुत्र में। तो यहाँ पे क्या था कि वो जब घोड़ा जब छोड़ा था ना, वो इंद्र ने क्या किया, वो ले जाके ना कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और ये 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते सगर के आए, और ना उसको चोरी का इंजाम लगा दिया कपिल मुनि। और कपिल मुनि बेसिकली कहते हैं मेडिटेशन में थे वो, तो उनको बेसिकली उनको जगाया बहुत चीख चीख कर, और ये करके तुम चोर हो, ये हुआ। तो जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलते ही वो सारे के सारे 60,000 जितने भी पुत्र थे वो भस्म हो गए वहीं पे, ठीक है। अब वो भस्म हो गए, तो भस्म होने के बाद वहां पे मतलब सगर के एक और पुत्र होते हैं, अंशुमन नाम होता है, वो वहां पे आते हैं, और वो बोलते हैं कि ये तो मतलब ऋषि से माफी मांगते हैं, बोलते हैं गलती से हो गया, बेसिकली इनकी इंटेंशन ये नहीं थी, तो आप माफ कर दो वरना इनकी आत्माएं भटकेंगी। तो वो बोलते हैं कि मैं माफ नहीं कर सकता, तो मगर उनकी रिक्वेस्ट पे बहुत ही बोलते हैं कि ठीक है, एक ही तरीका है इनकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए, कि आपको ना गंगा जो रिवर है, गंगा मैया जो है, आपको उनको धरती पे लेकर आऊंगा, भू लोक यानी मृत्यु लोक पे लाना होगा, वो ले आओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अंशुमन जो होते हैं वो पूछते हैं कि कैसे करें, तो वो बोलते हैं क्या इसके लिए तप करो तो पॉसिबल हो सकता है। तो अंशुमन खूब तप करते हैं हजारों साल, मगर जो जो गंगा नदी है वो बेसिकली आती नहीं। फिर क्या होता है, उनके पुत्र दिलीप शायद वो करते हैं, तब भी नहीं आती। तो जो पांचवी पीढ़ी में जब उनके ऐसा कुछ कहते हैं कि पांच पीढ़ी होती है, तो पांचवी पीढ़ी में भागीरथ जो होते हैं वो जन्म होता है, तो वो बेसिकली अपने पितरों की शांति के लिए वो करते हैं तपस्या हजारों साल, तब वो ही वॉज एबल टू ब्रिंग गंगा, तो वो धरती पर लेके आते हैं, और लेके जब वो आते हैं तब उनको जाके जो है मुक्ति मिलती है उनके पितरों को। तो इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सी मतलब जो चीजें हैं, एक तो ये देखो पहली बात तो ये कि पांचवा जो घर है वो अपूर्व पुण्य का है, यानी अपने पिछले जन्म में क्या काम किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कई बार कुंडली में ऐसा योग कॉम्बिनेशन भी होता है कि आपने कोई बुरा काम नहीं भी किया, अगर आपके पूर्वजों ने किया हो तो उसका भी आपको जो है ना जो रैथ है, मतलब कि जो आपने आपके पुत्रों से गलत कार्य किया उसका दोष आपको लग जाता है, वो लग जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, क्या लग जाता है, पितृदोष, ठीक है, या ब्रह्म हत्या दोष या गुरु हत्या दोष, इतने सारे दोष होते जो है ना, ये बेसिकली कोई कल्पना नहीं है, होते हैं, इसलिए इनकी पूजा बताई जाती है। तो जो पांचवे घर में ये मैं रिलेट करता हूँ, बेसिकली इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव हाउस, अगर ये खराब हो जाता है तो पितृदोष भी लग जाता है। तो पितृदोष को जब होगा तो जीवन में जाते बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं अलग अलग तरह के। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो भागीरथ ने जो है अपने तपस्या से, अपने विल पावर से वो गंगा को लेके आते हैं, और बेसिकली अपने पितरों को मुक्ति दिलाते हैं। तो अगर फिफ्थ हाउस को बहुत जरूरी होता है पितृदोष देखने के, फिफ्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि फिफ्थ हाउस को बोलते हैं संचित कर्म। फिफ्थ हाउस में स्टोर होते हैं आपके 100 जन्म 1,000 जन्म जो आपने पिछले पहले लिए हैं, उन सबका स्टोर हाउस होता है, सारे कर्म वहां पे रहते हैं। तो उसका कुछ पोर्शन भगवान आपको क्या करते हैं, नाइन्थ हाउस में देखते हैं, प्रारब्ध कुछ वो प्लस माइनस करते हैं हर सारे जन्म का, और प्लस माइनस करके जो भी क्रक्स निकल के आता है वो नाइन्थ हाउस में एज ए प्रारब्ध आपको इस जन्म में, हम सब तो हमको इस जन्म में जीना होता है। जैसे कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है संचित और प्रारब्ध का, तो देखो
चीज और समझाता हूँ जो और पॉइंट पर धृतराष्ट्र का नाम आपने सुना है धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे उनके सपुत्र थे मगर वो अंधे क्यों थे उनके सपुत्र क्यों थे उन्होंने भी किसी जन्म में किसी जो एक बर्ड था फैट सारस उसके 100 जो अंडे थे उनको डिस्ट्रॉय किया था तो उसने उनको श्राप दिया था कि तुम भी अपने ऐसे ही सपुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखोगे जैसे मैं देख रहा हूँ। ओके अब देखो सोचने वाली बात क्या है भगवान चाहते तो अगले जन्म में धृतराष्ट्र को इमीडिएट अंधा पैदा करके सपुत्र करा के भी ऐसा कर सकते थे मगर भगवान ने क्या किया ना तो उन्हें गरीब बनाया ना कुछ ऐसा किया उन्होंने क्या किया कि पिछले के जितने भी जन्म थे 150 जन्म भी उन सबको कैलकुलेट किया ये देखा कि भाई धृतराष्ट्र ने कुछ जन्म में अच्छे कार्य भी किए ठीक है तो वो मजबूर है मजबूर हुए उन्होंने बोला इसको किंग बनाना ही पड़ेगा इसको ऐसे कुल में पैदा करना पड़ेगा जहाँ पे ये एज अ राजा की तरह जिए तो सुनो उन्होंने क्या किया संचित कर्मा में से प्लस माइनस किया और प्रारब्ध के रूप में चेंज किया उनको राजा मगर उन्होंने बुरा भी किया था तो उनको उनको ब्लाइंड भी रखा सब पुत्र थे तो सब पुत्रों का उन्हें प्यार भी नहीं मिला क्योंकि वो कुछ नहीं सके जीवन भर में और उनकी मृत्यु से पहले मतलब महाभारत में सारे मर गए। अब सुनिए संचित कर्म और प्रारब्ध हाँ जी जितने भी जन्म आपने लिए सबका प्लस माइनस करते हैं और फिर इस जन्म को प्रारब्ध के रूप में कुछ जीवन